ओम शांति। 16 जून 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। प्रश्न, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भर कर जाए वर्षा करेंगे, पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करें। दूसरा, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न ना डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज़ ना हो। गीत, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना? बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप हैं, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, यह रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ, तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते, यह नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो, अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं, ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है, सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है, जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता, लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है, सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण तो है ही सत्युग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ ना सके। नेहरू उस रूप में उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे, वैसे ही श्री कृष्ण भी सत्युग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल ना सकें। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ, राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए, हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है, बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं, बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं,
जो कोई दे ना सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं, आगे ये थोड़े ही होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया नया राम राज्य, वहाँ सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। शास्त्रों में तो सत्युग त्रेता को भी नर्क बना दिया है, यह भूल है ना? वह असत्य सुनाते बाप सत्य सुनाते। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना, क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही यह 4 हैं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात को लगता है, समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर 16108 रानियां कहाँ से आईं? तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उचारा, धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, यह सब पुराना तमोप्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। है बहुत सहज बात, क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, ना तुम इतनी कुब्जाओं आदि बनेंगे। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं, ज़रूर उनको पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे कुछ तो सहन करना ही है, अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, यह शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्ची इतना पुरुषार्थ करना होगा, याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। यह गुरु नहीं हैं, इनके कान भी सुनते हैं, वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़ें? तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाएं
वर्षा करें। बाकी क्या आकर करेंगे, ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फ़ायदा ही क्या, सुनकर धारणा कर फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं कालकंटक दूर हो जाते हैं, तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सकें, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है, फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं, जितना हो सके बाप की याद में रहे योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहां आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए, तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है, बाप को याद करना है, यह है रियल शांति। बाकी है आर्टिफिशियल, वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती, तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा हैं, यह है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य हैं, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हों तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है, हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मना भव। ऐसे कृष्ण थोड़े ही कह सकेंगे, यह निराकार बाप कहते हैं। विदेही बनो, यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन हैं बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं, यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम मात पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में हैं दुख घनेरे, राम राज्य में हैं सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है, जो करोड़पति पद्मपति हैं उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की, सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यह तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, बाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान।
सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं, सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है, इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पाटधारी होते भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वो है हमारी देवताई प्रालब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सत्युगी देवताई प्रालब्ध मिलती है, वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं वो कोई सबके सब सत्युग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं वो सत्युगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में हैं। लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल ही जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में ना आवें, वो आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। अच्छा, ओम शांति।